अगर आपने बिहार पुलिस के लिए और फायरमैन पदों के लिए फॉर्म भरा है तो आप लोग जान लीजिए कि 25 नवंबर और 2 दिसंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा को रद्द कर दी गई है। यहाँ पर उसी से संबंधित न्यूज़ को पाएंगे और हम जाकर के बाद में चेक करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कि क्या यह सही है या गलत है। तो बने रहिए हमारे साथ, न्यूज़ को अंत तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सम्राट सर। हाल में ही 11,865 पदों पर निकाली गई बिहार पुलिस सिपाही भर्ती रद्द कर दी गई है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा सिपाही के 9,900 और फायरमैन के 1,965 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। दोनों पदों के लिए 10,80,000 के करीब आवेदन आए थे। अब सरकार ने इस भर्ती को रद्द करने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव हो सकते हैं, ऐसे में इसे रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इस भर्ती की लिखित परीक्षा 25 नवंबर और 2 दिसंबर को होनी थी। भर्ती रद्द होने के बाद ये परीक्षा नहीं होगी। केंद्रीय चयन पर्षद ने नोटिस जारी कर कहा है कि आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना बाद में दी जाएगी। जान लेते हैं क्या सही में परीक्षा रद्द हुआ है या नहीं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप गूगल में एंटर करेंगे CSBC। जैसे ही एंटर करेंगे ऊपर में वेबसाइट आएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसको टच करेंगे। टच करने के पश्चात पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9/11/2018 यानी ये नोटिस आज ही जारी किया गया है। इम्पोर्टेंट नोटिस, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2018। इसको हम डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि इस नोटिस में क्या है। ये देखिए नोटिस डाउनलोड हो चुका है। इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिस ओपन हो चुका है। यहाँ पर ऊपर में केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती लिखा हुआ है। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के विज्ञापन संख्या 2/2018 दिनांक 25/5/2018 द्वारा विज्ञापित बिहार पुलिस में सिपाही के 9,900 पद तथा बिहार अग्निशमन सेवा बिहार फायर सर्विस में अग्निक फायरमैन सिपाही की कोटि के 1,965 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन के संबंध में पुलिस महानिदेशक बिहार के कार्यालय पत्रांक 811P03 दिनांक 9/11/2018 के माध्यम से सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2018 को रद्द करने का निर्णय संसूचित किया गया है। तदनुसार केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के विज्ञापन संख्या 2/2018 को रद्द किया जाता है। उक्त विज्ञापन के आलोक में दिनांक 25/11/2018 रविवार को दो पालियों में एवं 2/12/2018 रविवार को एक पाली में लिखित परीक्षा की सूचना को भी तदनुसार रद्द किया जाता है। विज्ञापन संख्या 2/2018 के तहत आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना बाद में दी जाएगी। इस प्रकार से आपने जान लिया है कि बिहार पुलिस के भर्ती के लिए जो परीक्षा आयोजित होनी थी वो रद्द कर दी गई है। आप लोग लगातार खबरों से अपडेट रहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के बराबर चेक करते रहिए किसके बारे में कब सूचना जारी की जा सकती है। अगर आप यूट्यूब पर सूचना को पाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे संबंधित जो भी सूचना आएगी उसका वीडियो बना करके इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।